अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ खुजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड नेस्ट हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना, हमने करनी है सफाई अपनी एवरी की। जो है रिंगना की जो एवरी है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है और काफ़ी अरसे से जो है ना मैंने उसको साफ ही नहीं किया, तो आज करते हैं क्लीनिंग उसका। जो है ना पूरी पूरी सफाई करेंगे फ्रेश इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें असील बच्चे जो है ना खुले हुए हैं माशाल्लाह, अपनी माँ के साथ जो है ना आज़ाद घूम रहे हैं। असील बच्चा चेक करें माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह फुल हेल्दी अपनी माँ के साथ। मैंने आवाज़ दी तो होशियार हो गए, आवाज़ कहाँ से आई। तो चलो चलते हैं एवरी की तरफ और उसको जो है ना क्लीन करते हैं। एक दो जो है ना खाली बैग ले लेता हूँ जिसको हम अपने ज़बान में शापर कहते हैं, उसके अंदर जो है ना कचरा वगैरह डालेंगे। अभी देखो इसको जो है ना चिल्लाना शुरू हो गया। अच्छा, मेल फीमेल जो है ना बाजार के जो है ना भाग जाते हैं। अभी ये जो हमारा न्यू बेबी है ये तो बैठा है माशाल्लाह। अभी चलते हैं एवरी के अंदर, देखें यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा कचरा जो है ना साफ करना है, क्लीन कर देना पूरा एवरी को आज। अभी जो है ना हम एवरी के अंदर इंटर होने लगे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो है ना इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है। ये आज पूरा का पूरा जो है ना क्लीन करना है। ये देखिए काफ़ी दिन से जो है ना मैंने जो है ना सफाई नहीं की है, तकरीबन कोई एक दो माह हो चुके हैं। ये पूरी से पूरी क्लीन करके फिर जो है ना इधर चींटी के लिए दवाई डालेंगे ताकि ये जो है ना बंद हो जाए। पूरा इसको क्लीन कर देते हैं फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा।
पूरी सफाई वगैरह जो है ना मैंने कर ली। अभी देखें माशाल्लाह, ये पूरा चेक करो, ये पूरा जो है ना 5 किलो का केस भर चुका है। ये कचरा है इसके अंदर जो इन लोगों ने खाया, तकरीबन को 1-1.5 माह का है। तो अभी जो है ना फाइनल रिव्यू चेक कर, अभी जो है ना कचरा पूरा निकाल लिया। कचरा निकालने के बाद जो है ना हमने एक और लाजमी एक काम करना है, ये जो चींटी की या जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए कोई ना कोई स्प्रे वगैरह या कोई जो है ना मेडिसिन आपने यूज़ करनी, ताकि वहाँ पे जो है ना चींटियाँ वगैरह ना हो, कीड़े मकोड़े जो हैं वो मर जाए। लास्ट में जो है ना आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे यूज़ करें या तो ये पिफ पैफ, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जितने जो है ना ये कीड़े मकोड़े हैं या जो कुछ भी है ना वो मर जाए। ये देखें लास्ट में जो है ना आप ऐसे मतलब पूरे पूरे किनारे पे जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो है ना आप दवाई डाल दें, ताकि फुल सेफ्टी हो जाए और आपके जो है ना परिंदे भी मतलब सेफ रहें, क्योंकि ये अक्सर अगर चींटी काट ले तो जिस्म में जहर फैल जाती है और आपका बर्ड जो है ना वो मर सकता है। इसके लिए आपको ख्याल करना पड़ेगा। अभी जो है ना अपने चिक्स को हम बाहर निकालते हैं और वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।